हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, सहिष्णुता पर आधारित है, करुणा पर आधारित है, मानवीय मूल्यों पर आधारित है। हमने प्रारंभ से ही जो है पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया कि पूरा विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम है और हम 7 अरब की जनसंख्या उस पिता परम पिता की परमेश्वर की संतान है, इसलिए हम भाई भाई हैं। तो इन सब बातों को लेकर के आज हम विषय ज्ञान का सार आचार पर आपको बताना चाहेंगे कि वास्तव में हम जो ज्ञान कर रहे हैं उसका सार क्या है। The essence of knowledge is conduct, नानस सार मायारो। हमारी भारतीय संस्कृति बताती है कि ज्ञान का सार आचार है। बंधुओं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है, स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरे को प्रकाशित करता है। ज्ञान को एक दीपक की उपमा दी गई है, जिस तरीके से दीपक की लौ जलती है और घना से घना अंधकारा भी छिटक जाता है। एक बहुत बड़ा सघन अगर मान लो जंगल है और उस जंगल के अंदर एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो कई समय से बिखरा हुआ वो घना अंधेरा वो छट करके वहां प्रकाश हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये ज्ञान है हमारे में प्रकाश करता है, इसीलिए ज्ञान को स्वर्षति का वरदान कहा गया है। जो लोग ज्ञानी होते हैं उनको ये कहा जाता है कि इनके हृदय में स्वर्षति विराजमान है, इनके मस्तिष्क में स्वर्षति माता विराजमान है, ये स्वर्षति पुत्र है। क्यों? ज्ञान की दाता देवी है वो स्वर्षति है। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 बड़ी देवियों को माना गया, त्रिदेवी का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। पहली देवी लक्ष्मी है, लक्ष्मी एक जो है भौतिक समृद्धि देती है उसको श्री लक्ष्मी कहा जाता है, और दूसरी लक्ष्मी होती है जो कि आध्यात्मिक समृद्धि देती है वो आध्यात्मिक लक्ष्मी कहलाती है, और ज्ञान की देवी सरस्वती होती है, और हमारी रक्षा करने वाली होती दुर्गा होती है। दुर्गा करुणा की देवी है, लेकिन जो लोग दुर्जन हैं उन दुर्जनों का नाश करने वाली भी जो है दुर्गा ही है बंधुओं। इसलिए त्रिदेवी का जो कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर चलता है। हम ज्ञान की बात कर रहे थे कि ज्ञान 2 तरह का होता है, एक तो भौतिक ज्ञान होता है और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान होता है। एक लौकिक ज्ञान होता है और एक पारलौकिक ज्ञान होता है। लौकिक ज्ञान हमारा व्यवहार जगत है, हमारी जगत के अंदर चराचर जगत के अंदर क्या हो रहा है, ये जगत किस प्रकार संचालित हो रहा है, इसको जगत को चलाने वाला कौन है, इस जगत में कौन कौन निवास कर रहे हैं। हम मानते हैं कि 84 लाख जीवा योनियों के प्राणी जो है, अनंत असंख्य प्राणी जो है इस जगत के अंदर, इस चराचर जगत के अंदर निवास करते हैं, उसका हम ये ज्ञान करते हैं। और उसके बाद के अंदर पारलौकिक ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, परलोक का ज्ञान होता है, पुनर्जन्म की बात होती है, आत्मा की बात होती है बंधुओं। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। लौकिक और पारलौकिक ज्ञान मिलकर के पूर्ण ज्ञान बनता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो हम द्वैत में विश्वास करते हैं, लेकिन द्वैत होते हुए भी हम अद्वैत में जाना चाहते हैं। द्वैत हमारा वर्तमान का कॉन्सेप्ट है और हमारी मंजिल अद्वैत है, यानी हम जो है लौकिक और पारलौकिक पे होते हुए हमारा रियल स्वरूप है, उस रियल स्वरूप के अंदर हम जाना चाहते हैं। हमारा रियल स्वरूप क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और जगत के सब जीवों में शुद्ध आत्मा का दर्शन कर उनको नमन करता हूँ, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, सबके अंदर, चाहे छोटा कीड़ा हो, मकोड़ा हो, उसके अंदर वही आत्मा विराजमान है जो मेरे में विराजमान है। वो भगवान कृष्ण में विराजमान है, भगवान राम में विराजमान है, वह ईसा मसीह में है, वह विष्णु में है, और समस्त देवी देवताओं के अंदर वही आत्मा विराजमान है जो कि ये कीड़े मकोड़े में। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति ये बताती है कि जो शुद्ध आत्मा का जगत है, जो पारलौकिक जगत है, उसके अंदर कोई भेद रेखा नहीं है, उसके अंदर पूर्ण सत्य मिलता है। और जो हमारा लौकिक जगत है उसके अंदर
अंदर सब भेद रेखा खींची गई है, क्योंकि वो हमारे बुद्धि का जगत होता है। मैं ज्ञान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इन दोनों जगत को जो है हमें देखना समझना बहुत जरूरी है, इनका समन्वय करना जरूरी है, तभी हम ज्ञान का संपूर्ण अर्थ समझ पाएंगे। तो ज्ञान जो है एक तिमिर को हटाता है, ज्ञान अंधकार को हटाता है, और ज्ञान हमें सद्बुद्धि देता है, अच्छे कार्य करने की बुद्धि देता है, इसीलिए इसको सद्ज्ञान कहा जाता है। अब लौकिक ज्ञान के अंदर सारी जितनी भी विद्याएं हमारी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, बॉटनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आजकल कितने कितने ज्ञान की धाराएं हो चुकी है, वो सारा ज्ञान की दिशाएं, वो सब ज्ञान की धाराएं, वो सब मिलकर के हमारा लौकिक जगत को बनाती है। और उसके बाद में पारलौकिक जगत का सबसे बड़ा ज्ञान होता है आत्मविद्या, और आत्मविद्या सबसे बड़ी विद्या होती है। लेकिन दोनों का एक दूसरे से गहन संबंध है, एक दूसरे से पूरक है। अब प्रश्न ये होता है कि सारा हम इतना ज्ञान जो है उसका विवेचन करते हैं, उस ज्ञान को पढ़ते हैं, लेकिन इस सारे ज्ञान का जो है सार क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति ने ज्ञान के सार को आचार बताया है।